हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कुरकुरे मसाला भिंडी। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा भिंडी ले लिए हैं और इसे हम दो तीन पानी अच्छे से धो लिए हैं। इसे बनाने के लिए हमें एकदम से ताज़ी भिंडी की ज़रूरत होती है। तो देखिए, इसे हम अब कट करके दिखाते हैं आपको। इसके दोनों साइड से काटने के बाद हम इसको बीच से काट देंगे और बीच से काटने के बाद हम इसको चार भाग में काट देंगे। देखिए, हम सारे भिंडी को इसी तरह काट लिए हैं। अब इसे हम एक बर्तन में रख लेंगे। देखिए, अब इस भिंडी के बीज को हमें निकाल देना है। चाकू की सहायता से इसी तरह हम सारे भिंडी के बीज को निकाल देंगे और बीज को हम फेंक देंगे। बीज को हमें नहीं बनाना है। देखिए, हम सारे भिंडी में का बीज को निकाल दिए हैं। अब इसमें हम बाकी का सामग्री को डालेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, दो चम्मच चावल का आटा, दो चम्मच बेसन, आधा चम्मच आमचूर पाउडर और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। अब इन सब को हम अच्छे तरह से मिक्स करेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है क्योंकि हम नमक डाले हैं तो नमक पानी छोड़ देगा और ऐसे भिंडी में भी थोड़ा सा पानी रहता है, इसको मिलाते मिलाते ये पानी छोड़ देगा। देखिए, इसे अच्छे तरह से मिक्स कर लिए हैं हम। अब हम यहाँ गैस पर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें डाल रहे हैं रिफाइन ऑयल। आप चाहें तो सरसों तेल भी डाल सकते हैं। ऑयल हमें थोड़ा ज़्यादा ही डालना है क्योंकि हमें भिंडी को फ्राई करना है। अब हम ऑयल को पूरे हाई फ्लेम पर पूरे अच्छे तरह से इसको गर्म होने देंगे। तेल पूरी अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें थोड़े थोड़े भिंडी को डालकर और तलेंगे। देखिए, हमारी कुरकुरे भिंडी एकदम से क्रिस्पी हो गई है। अब इसे हम निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी भिंडी को भी डालकर तल रहे हैं। ध्यान रहे, गैस का फ्लेम को एकदम हाई ही रखना है और इसे तलना है, और तलते समय हमेशा इसे चलाते रहना है, नहीं तो एक साइड में ये लाल हो जाएगा। देखिए, ये भिंडी भी क्रिस्पी हो गई। इसे भी हम अब निकाल लेंगे। तो हमारी कुरकुरे मसाला भिंडी एकदम से तैयार हो गई है। देखिए किस तरह की आवाज़ कर रही है। आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी क्रिस्पी बनी है। तो दोस्तों, आप भी इसी तरह कुरकुरे भिंडी बनाइए और टेस्ट करके बताइए कि भिंडी कैसी लगी। और अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह नई नई यूनिक रेसिपी लेकर। तो धन्यवाद।